हेलो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ये वीडियो नंबर 4 है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइन और उसके प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। इस वीडियो में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने तो पढ़ा कि किसी भी बार मैग्नेट या कोई भी मैग्नेट का के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होता है जो उस फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को और उसके स्ट्रेंथ को बताता है। इस वीडियो में अभी हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ठीक है, उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जो कि एक मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में पाया जाता है, उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग कैसे पेपर पे प्लॉट करेंगे, पेपर पे कैसे प्लॉट करेंगे ये आज हम लोग सीखेंगे। हाउ टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट अपने मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करता है वो, उसको हम लोग पेन पेपर पे कैसे प्लॉट करेंगे ये आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले ये जाने कि इसको कितने तरह से प्लॉट कर सकते हैं। सबसे पहले ये जाना है कि भाई इसको प्लॉट करने का दो तरीका होता है। सबसे पहला, ये जो मैंने फिगर बना रखा है ये पहला तरीका है, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है ये, तो दिस वे इज कॉल्ड, ठीक है, By using बार मैग्नेट। ये एक बार मैग्नेट है, देख के ही लग रहा है ये एक बार मैग्नेट है। और साथ ही साथ इसमें क्या चाहिए होता है, एंड आयरन फिलिंग्स, और आयरन फिलिंग्स चाहिए होता है क्या करने के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्लॉट करने के लिए। ये पहला तरीका है। तो कैसे हम लोग बार मैग्नेट और आयरन फिलिंग्स को यूज करके, यू समझे, पहले आयरन फिलिंग्स का मतलब तो जाने, आयरन फिलिंग्स का मतलब होता है लोहा का छोटा छोटा टुकड़ा। नॉर्मली जैसे हम लोग किसी भी वेल्डिंग वाले दुकान में जाएंगे तो वहां पर पता चलेगा, जहां पर लोहा को काटा जाता है तो काटने के दौरान उसमें क्या होता है, उसका छोटा छोटा बुरादा गिर जाता है, छोटा छोटा बुरादा, छोटा छोटा टुकड़ा बन जाता है, उसी को ले लेंगे, वही क्या होगा, आयरन फिलिंग्स, ठीक है। तो इस बार मैग्नेट और आयरन फिलिंग्स को यूज करके हम लोग कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्लॉट करेंगे किसी भी बार मैग्नेट के लिए, कहां पे, तो पेपर पे। तो इसके लिए क्या करना है, ये स्ट्रॉन्ग एक बार मैग्नेट लेंगे, और इस, ये एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट है, और इस बार मैग्नेट के ऊपर कोई भी एक कार्ड हो, ठीक है, या कोई भी पेपर हो, नॉर्मल ऐसा करके, ऐसा करके बार मैग्नेट को लेना है और इसके ऊपर जो पेपर है उसको इस तरह से रख देना है, ठीक है। नॉर्मल वो क्या होना चाहिए, थिक पेपर होना चाहिए, कार्ड जैसा होना चाहिए, थोड़ा सा मोटा, ठीक है। अभी उस पर क्या करेंगे हम लोग, आयरन फिलिंग्स को, जो लोहे का बुरादा हम लोग कलेक्ट करेंगे, ठीक है, कहीं से भी हो, उसको स्प्रिंकलर की मदद से, स्प्रिंकलर की मदद से क्या करेंगे, इस पर क्या करेंगे हम लोग, तो स्प्रिंकल कर देंगे, मतलब कि इसमें हम लोग यूनिफॉर्मली तो नहीं, जैसे भी पॉसिबल हो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखो, मैंने इन आयरन फिलिंग्स को यहां पे स्प्रिंकल कर दिया, किस पे, तो जो स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट लिया है हमने, उस स्ट्रॉन्ग जिसके कारण हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के पैटर्न को ऑब्टेन करना है, तो उस बार मैग्नेट के ऊपर जो हम लोगों ने थिक पेपर लिया था या कार्ड लिया था, तो उसके ऊपर हम लोगों ने आयरन फिलिंग्स को क्या किया, स्प्रिंकल कर दिया, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस आयरन फिलिंग्स को इस तरह से जेंटली, बहुत जोर से नहीं, बहुत जोर से करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा आयरन फिलिंग्स फेंका जाएगा, तो बहुत जोर से नहीं, इस तरह से टैप करेंगे, क्या करेंगे, टैप, जेंटली टैप करना है। जेंटली टैप करने का मतलब होता है धीरे से थपथपा देना, ठीक है। तो जेंटली टैप करने पे हम लोग देखेंगे, ये देखने को मिलेगा कि ये जो आयरन फिलिंग्स है जो अभी रैंडम ओरिएंटेशन में जैसे तैसे बिखरा हुआ है, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर वे में खुद को अरेंज कर लेता है, ठीक है, पर्टिकुलर वे में अरेंज कर लेता है खुद को, तो देखेंगे कि कैसे अरेंज कर लेता है। लगभग सारे किताबों में ये फिगर दिया हुआ होगा। यहां पर देखिए, जो आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल किए हुए थे यहां पर, वो जैसे टैप करने पे वो इस पर्टिकुलर पैटर्न में
खुद को क्या कर लेता है, अरेंज कर लेता है। तो जरा आप लोग गौर फरमाइएगा कि हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, क्या ये उससे रिजेंबल करता है, क्या ये उससे मिल रहा है? तो हाँ, ये मिल रहा है। ये देखने पर लग रहा है कि भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये एक पर्टिकुलर जगह से निकल के दूसरे जगह यहाँ पे दिख ही रहा है, ठीक है। और पोल्स के पास ये ज्यादा डेंसर दिख रहा है, जबकि अदर प्लेसेस में ये रेयर दिख रहा है। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि जिन जो आयरन फिलिंग्स को हम लोगों ने लिया था कार्ड के ऊपर, वो अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज कर लेता है, पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज कर लेता है। और यही जो पैटर्न मिला, यही क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है। किसके लिए? तो बार मैग्नेट के लिए, ठीक है। यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है। तो क्यों क्यों ये अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेता है? सवाल ये है कि क्यों ये आयरन फिलिंग्स अपने आप को, चूंकि ये बार मैग्नेट था और बार मैग्नेट के ऊपर हम लोगों ने क्या किया था, उस कार्ड को लिया था जिसके ऊपर हम लोगों ने आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल किया, तो वो चूंकि वो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में आ गया सारा आयरन फिलिंग्स। और बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में आने से क्या होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके ये आयरन फिलिंग्स भी क्या करने लगता है, तो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है और अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। और किसके तरह अलाइन कर लेता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न में अलाइन कर लेता है। इसका मतलब ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है, ये जो पैटर्न दिख रहा है, यही क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है। ये एक तरीका था हमारा, पहला तरीका किसको प्लॉट करने का, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्लॉट करने का किसमें, पेपर में, ठीक है। वो पहला तरीका था, पहला तरीका को हम लोगों ने पढ़ लिया। पहला तरीका एक बार रिकैप करेंगे कि पहले तरीके में हम लोगों ने क्या यूज किया, एक बार मैग्नेट, बार मैग्नेट पे हम लोगों ने क्या किया था, ठीक कार्ड रखा और उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स को, लोहे के छोटे छोटे बुरादों को हम लोगों ने स्प्रिंकल किया। और जैसे इसको जेंटली टैप किया, तो हम लोग देखेंगे कि इसको पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये अरेंज हो जाता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया था अभी। तो वो वही क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है। अभी जो दूसरा तरीका होगा, द सेकेंड वे टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर अ बार मैग्नेट इज बाय यूजिंग अ कंपास, ठीक है। बाय यूजिंग बार मैग्नेट एंड कंपास, द सेकेंड वे क्या होगा, तो बाय यूजिंग बार मैग्नेट, बाय यूजिंग बार मैग्नेट एंड कंपास, ठीक है। बार मैग्नेट और कंपास को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न को ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए भी क्या चाहिए, जिस मैग्नेट के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ट्रेस करना है, प्लॉट करना है, ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करना है, उसको यहां पर उस बार मैग्नेट को रखेंगे। सपोज ये वो बार मैग्नेट है जिसके लिए हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्लॉट करना है, इस बार मैग्नेट को वहां पर रखेंगे और इसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसके बाउंड्री को बना लेंगे इस पेपर पे, ठीक है। इस पेपर पे क्या करेंगे, इसके बाउंड्री को हम लोग मार्क कर लेंगे। तो इसका सपोज ऐसा, इसका बाउंड्री को मार्क करने पे हमें ये इस तरह का फिगर मिलेगा, इस तरह का बाउंड्री मिलेगा ये, ठीक है। इस तरह के रेक्टेंगल शेप में, रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट होगा तो इस तरह का शेप में एक क्या मिलेगा, हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अभी ये उस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा या साउथ पोल होगा, ठीक है। मार्क करने के बाद हम लोग फिर से इस बार मैग्नेट को यहां पर रखेंगे, ठीक है, जहां पर नॉर्थ पोल था वहां पर नॉर्थ पोल को रखेंगे, जो साउथ पोल था वहां पर साउथ पोल को रखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपास को यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये तो जान लें कि कंपास होता क्या है, ठीक है। तो कंपास क्या होता है, इसमें बेसिकली इस तरह का एक पाइवेटेड मैग्नेट होता है, ठीक है, पाइवेटेड मैग्नेट होता है जो क्या होता है कि फ्री होता है डिफ्लेक्ट करने के लिए, अपने आप को टर्न करने के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिफ्लेक्ट होता है आराम से, ठीक है। और इसको एक बॉक्स में, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक मेटल केस में इसको बंद करके रखा जाता है। तो इसको लेके हम लोग क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे, कहां पे, तो एक प्लॉटिंग कंपास को किसके पास लाएंगे, तो इस मैग्नेट के, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास। तो ये जो प्लॉटिंग कंपास है, इसका ये पोल नॉर्थ होता है, ये पोल साउथ होता है। तो
तो जैसे हम लोग उसको इस मैग्नेटिक कंपास को यहां पे लेके आएंगे तो पता चलेगा कि ये जो इसका नॉर्थ पोल है ये इसका नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा और इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका अरेंजमेंट हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा कि ये इसका साउथ पोल यहां है और इसका नॉर्थ पोल यहां है। इस तरह से खुद को अरेंज कर लेगा, ये साउथ है ये नॉर्थ है। ठीक है, ये अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि इसका जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, इस डिफ्लेक्शन के बेसिस पे क्या करेंगे, इसको हम लोग मार्क करेंगे। ठीक है, जो इसका टिप है इसको हम लोग मार्क करेंगे और अगली बार इसको हम लोग फिर से यहां पर रखेंगे, इस मैग्नेटिक नीडल को यहां पर रखेंगे, तो पता चलेगा कि इस बार भी उसी तरह का डिफ्लेक्शन शो किया है, ये भी उसी तरह का डिफ्लेक्शन शो किया है और इस तरह से डिफ्लेक्ट हुआ। फिर ये प्रोसेस को हम रेगुलरली रिपीट करते चलेंगे तो इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा, तो ये डिफ्लेक्शन लगातार होता आएगा और फाइनली हमारे पास जो फिगर बनेगा वो ऐसा होगा, वो बिल्कुल इस तरह का फिगर बना हुआ रहेगा कि ये देखिए नॉर्थ पोल को डिफ्लेक्ट करते करते ये पॉइंट्स मिलेगा। तो यदि इन पॉइंट्स को मिला के हम लोग एक कर्व लाइन ड्रॉ कर सकते हैं तो वही कर्व लाइन क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, उसी कर्व लाइन को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं। तो अभी हम लोग इस पूरे डिस्कशन में हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्लॉट करेंगे, किसके लिए, तो एक बार मैग्नेट के लिए, किसमें, तो पेपर पे। ठीक है, तो ये हमारा तरीका था, दो तरीका हम लोगों ने यूज किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्लॉटेशन बाय यूजिंग बार मैग्नेट एंड आयरन फिलिंग्स, बाय यूजिंग बार मैग्नेट एंड द मैग्नेटिक कंपास।